Today we will discuss CCE exercises of R.D. Sharma. मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसका होमवर्क दिया था, आज हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग. ये कह रहा है क्या रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो टर्मिनेटिंग होता है. तो हमें पता है कि रेशनल नंबर का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है. हेंस दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग. अगेन दिस इज पार्शियली करेक्ट. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग. फॉल्स. इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं इट इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लास्ट वन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट 100% ट्रू. हेंस आवर आंसर इज डी. द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. नो, नॉट ट्रू. एज फॉर एग्जाम्पल, 2 + √5, 2 - √5, these are two irrational numbers and sum of these two is equal to 4, which is a rational number. Hence this is false statement. The next option, the sum of two irrational numbers is always a rational number, it is also false. Suppose 2 + √7, 2 - √7, the sum of these two is equal to 4 - √7, which is an irrational number, it is also false. The sum of two irrational numbers may be a rational or an irrational number. Yes, this is true. And this is also false. Sum of two irrational number is always irrational. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. Sum of two irrational always irrational. No, this is false. Sum of rational and irrational always an irrational number. Yes, this is true. A square of an irrational number is always a rational number. Option number 3, C. C option मैं explain कर रहा हूँ. Irrational number का square क्या always rational number होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ये एक irrational number है. इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + 3 + √3, विच इज इरेशनल. हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज आल्सो. मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई क्यों नहीं हो रहा है, मैं उसका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ. ऑल दो आंसर तो हमारा आ चुका है, फिर भी मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द ऑप्शंस. सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी एन इंटीजर. दो रेशनल नंबर का सम इंटीजर कभी भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? ऑलवेज बहुत बार होगा. 5 + 4, ये दो रेशनल नंबर है, ऐड किया हमने एक इंटीजर मिला. हेंस दिस इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. फॉल्स. नहीं, गलत. मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 को एक्सप्लेन करने के लिए. सपोज √5 × √5 लेते हैं, इनका प्रोडक्ट लेते हैं, क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया. √8 × √2 प्रोडक्ट लेते हैं, 16, एक रेशनल नंबर आ गया. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज
Product of a rational and irrational is always irrational. Yes, it is true. Though एक रेशनल और एक इरेशनल का ऑलवेज एक इरेशनल ही होगा, फिर भी हम लोग ऑप्शन नंबर सी और डी को डिस्कस कर रहे हैं. सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन नेवर बी इरेशनल. नो, अभी हमने हम लोगों ने लास्ट ही थ्री रूट सेवन प्लस टू रूट सेवन दो इरेशनल नंबर है, हमने ऐड किया फाइव रूट सेवन, इट इज एन इरेशनल नंबर. Hence, option number 3 is also wrong. Option number 4. Sum of an integer and rational number can never be integer. अभी हमने डिस्कस किया इंटीजर, मान लिया माइनस 3 है प्लस 5 है, ऐड करके 2 आ रहा है, दिस इज एन इंटीजर एंड दिस ऑल्सो फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से कौन इरेशनल है. रूट 7 इज इरेशनल, इसका वैल्यू 9 आ रहा है, ये तो ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसका वैल्यू 2 बाई 3 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इरेशनल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, इसमें से रेशनल कौन है. 4 बाई 0 तो इन्फिनिटी हो गया अनडिफाइंड, रूट 3 नहीं हो सकता, 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 विच इज रेशनल. पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल. पाई का वैल्यू जो हम लोग 22/7 यूज करते हैं वो एक अप्रोक्स वैल्यू है, बट पाई इज ए इरेशनल नंबर. द नंबर दिस इज, ये क्या है, 0.318564. फिर देखो 318564, 318564, इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इंटीजर तो है नहीं ये, नेचुरल नंबर तो है नहीं ये, और इरेशनल नंबर कब होता है, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता. यहाँ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप, हेंस दिस इज इरेशनल नंबर. नेक्स्ट इज, इफ एन इज ए नेचुरल नंबर देन रूट एन इज व्हाट, समटाइम्स ए नेचुरल नंबर, सॉरी always a natural number, always an irrational number, always an irrational number, दो बार टाइप हो गया, ऑप्शन नंबर बी और सी दो बार बुक में टाइप हो गया. समटाइम्स ए नेचुरल नंबर, समटाइम्स एन इरेशनल नंबर. सपोज करिए रूट अंडर एन है, एन के वैल्यू हम रखते हैं 4, दिस इज 2 विच इज ए नेचुरल नंबर. सपोज करी 5 रखते हैं, दिस इज नॉट नेचुरल बट दिस इज इरेशनल. तो एक बार तो नेचुरल आ रहा है, एक बार इरेशनल आ रहा है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है गलत, नॉट ऑलवेज ट्रू. ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, नॉट ऑलवेज ट्रू. समटाइम्स ए नेचुरल नंबर, समटाइम्स एन इरेशनल नंबर, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स इसमें से कौन हो सकते हैं. तो 3/16 तो टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो पावर है 2 का पावर 4 है, ये पावर 5 का पावर 2 है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये टर्मिनेट कर जाएगा. और 39/24, 13/3 से कैंसिल कर रहे हैं 8, दिस इज ऑल, ये भी 2 के पावर 3 के फॉर्म में है इसका डिनोमिनेटर, इसलिए ये भी टर्मिनेट कर जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा. ऑप्शन क्या आएगा, 3/11. थैंक यू.